फ्रेंड्स, वेलकम टू अर न्यू वीडियो। मालिश बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमें बच्चों की मालिश 1.5 साल तक करनी चाहिए। इससे बच्चों की स्किन हेल्दी रहती है, बच्चों को अच्छी नींद आती है। और कई पेरेंट्स अक्सर हमें शिकायत करते हैं कि बच्चा रात में अच्छे से सोता नहीं है। तो आप चेक करिए, कहीं ना कहीं आप बच्चे की मालिश सही से नहीं कर रहे हैं। मालिश करने से बच्चों की बोन्स स्ट्रांग होती है, मसल्स स्ट्रांग होती है। लेकिन सही मौसम में सही तेल से बच्चों की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्दी के मौसम में हम ऐसा तेल लेते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है, और गर्मी के मौसम में हमें ऐसा तेल लेना है जिसकी तासीर जो है वह ठंडी होती है। गर्मी के मौसम में हम जो तेल सिलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा ना हो, उससे बच्चों की स्किन एलर्जी ना हो, वो तेल केमिकल फ्री होना चाहिए। कोई भी तेल जब हम पहली बार बच्चों के ऊपर यूज़ करते हैं तो पेस्ट टेस्ट जरूर करना चाहिए, यानी बच्चों के किसी एरिया पे जैसे हाथ या पैर उस पर ऑयल लगाकर चेक करें। अगर बच्चों को उससे कोई भी रैशेस या एलर्जी नहीं हो रही है तो आप उससे बच्चों की मालिश करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल होता है नारियल का तेल, यानी कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल ठंडा होता है और बच्चे की बॉडी में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। गर्मी के मौसम में भी यह बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। अगर बच्चों को क्रैडल कैप हो रहा है, यानी सर पर पपड़ी जम रही है, तो उस केस में भी आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको बहुत ही जल्दी रैसेस हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी नारियल का तेल अच्छा होता है। यह एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। इसलिए बच्चों की मालिश करने के लिए आपको वर्जिन कोल्ड फ्रेश्ड कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए। यह एक नेचुरल तरीके से बना हुआ तेल होता है। सेकंड ऑयल है ऑलिव ऑयल, यानी जैतून का तेल। यह बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चे की बॉडी स्ट्रांग होती है। सर्दी के मौसम में तो हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पर गर्मी के मौसम में आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में यह ऑयल को यूज़ करना है। सर्दी में हम बहुत अच्छे से बच्चों को ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी में हम ऑलिव ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप बच्चों को यह तेल लगाएंगे। है बादाम रोगन तेल। गर्मी के मौसम में भी कुछ बच्चों की स्किन ड्राई रहती है, तो उन बच्चों के लिए बादाम रोगन तेल अच्छा रहता है। यह बच्चे की स्किन के लिए अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है। ये बच्चों के बालों के लिए भी अच्छा होता है। देखा जाता है कि कुछ बच्चों के सर पर बहुत कम बाल होते हैं या फिर पैचेस की फॉर्म में बाल होते ही नहीं है, यानी कि कुछ जगह पर बाल होते हैं और कुछ जगह पर बाल नहीं होते, तो उन बच्चों के सर की मालिश भी आप बादाम रोगन तेल से कर सकते हैं। पर रेगुलर बेसिस पर बादाम रोगन तेल से आप बच्चों की मालिश मत करिए। आप वीक में 2 से 3 दिन आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बाकी दिन कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में वीक में 1 या 2 बार आप बच्चे की मालिश कर्ड यानी दही से भी कर सकते हैं, एलोवेरा जेल से भी कर सकते हैं, कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को लगाने के बाद आपको बच्चे की स्किन को रगड़ना बिल्कुल नहीं है। बस सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा दही बच्चों को लगा दीजिए या थोड़ा सा एलोवेरा जेल बच्चों को लगा दीजिए। इससे बच्चों की गर्मी में जो आराम मिलता है, और अगर आप बच्चों की हीट रैश हो रहा है तो उससे भी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, दही फ्रिज का निकला हुआ ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही दही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें बच्चों की मालिश किस तेल से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो तेल बहुत ज़्यादा चिपचिपा होते हैं उस तेल से हमें बच्चों की मालिश नहीं करनी है। अक्सर दादी नानी कहती थी कि देसी घी से बच्चों की मालिश करो, इससे बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन गर्मी के मौसम में भी कभी भी आपको देसी घी से बच्चों की मालिश रेगुलर बेसिस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देसी घी बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और यह पोर्स को बंद कर सकता है, जिससे बच्चों को घमोरिया और लाल दाने हो सकते हैं। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में आपको कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल से भी बच्चों की मालिश नहीं करनी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान।